जी हाँ दोस्तों, जितने भी छात्र एवं छात्राएं बिहार बोर्ड से क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री की परीक्षा देने वाली है, उन सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए हम परीक्षा से पहले सब्जेक्ट केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आ चुके हैं इस वीडियो में। यहाँ से आपके परीक्षा में अभी काफ़ी सारे प्रश्न आने वाले हैं। आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे, यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में उतरने वाले हैं, छपने वाले हैं। तो परीक्षा देने जाने से पहले सभी छात्र छात्राएं इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, एक एक प्रश्न को रट लीजिए, यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को व्यर्थ किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको हम सीधे लेकर चलते हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री के मोस्ट वीवीआई वायरल प्रश्न की ओर। आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सभी छात्र छात्राएं ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि CH3CH2NH2 को कहा जाता है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं अपना नीचे में देखते चलिएगा। तो यहाँ पर आप सभी को हम बताना चाहेंगे, आपसे बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जा रहा है, बिल्कुल आसान प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए। आप सभी मित्रों को नहीं मालूम है तो जान लीजिए, CH3CH2NH2 को इथाइल एमीन कहा जाता है, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएंगे। ठीक है, आपको दोस्तों माइंड में सेट कर लेना है, याद कर लेना है, यहां से काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे छपने वाले हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, क्वेश्चन और फर्स्ट का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, इथाइल एमीन हो जाएंगे, CH3CH2NH2 को इथाइल एमीन कहा जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके परीक्षा के लिए, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि H2SO4 है एक क्या है। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे दोस्तों, H2SO4 जो है ये जो है डायबेसिक एसिड हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों द्विभाष्मिक अम्ल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो यहां पर हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे एंटासिड। क्या हो जाएंगे? एंटासिड हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे, प्रतिमल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नीचे में देखते चलेंगे, और जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे उनको हम बताते ही जा रहे हैं, आपको ऊपर में देखना है। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, एंटासिड, यानी कि दोस्तों प्रतिमल। ठीक है, आपको याद रखना है कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, तो एंटासिड के द्वारा, यानी कि दोस्तों प्रतिमल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि CH3COOH का आयुपिक नेम है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, और आपको क्या बताना है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं नीचे हम देख सकते हैं आयुपिक नेम ऑफ CH3COOH, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों इसका आयुपिक नेम? इसका आयुपिक नेम हो जाएंगे इथेनोइक एसिड। क्या हो जाएंगे? इथेनोइक एसिड, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एक एक प्रश्न को दोस्तों माइंड में सेटअप करते चलिएगा, एक एक प्रश्न को रटते चलिएगा, और इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। तो यहां पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, CH3COOH का जो आयुपिक नेम है ये हो जाएंगे इथेनोइक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि लोहे का मुख्य ऐसक है। देखिए, आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, लोहे का जो ऐसक है ये तो सभी होता है, मतलब मैग्नेटाइट भी होता है, सिडेराइट भी होता है, हेमेटाइट भी होता है, तो इसके हिसाब से बहुत सारे बच्चे ऑप्शन डी में लगा देंगे इनमें से सभी, जो कि गलत आंसर है। आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों, प्रश्न में ध्यान दीजिए, तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि लोहे का मुख्य ऐसक, ठीक है, तो लोहे का मुख्य ऐसक दोस्तों हेमेटाइट होता है, तो इसमें आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट आंसर हो जाएंगे हेमेटाइट। ठीक है, लोहे का मुख्य ऐसक क्या होता है दोस्तों? हेमेटाइट होता है। और परीक्षा हॉल में देखिए, आपको यह भी दे सकता है दोस्तों, जैसे हेमेटाइट के जगह पे इसका फॉर्मूला दे देगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी मित्रों को मालूम होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। ठीक है, आपको हेमेटाइट के बदले यह भी दे सकता है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, यह हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है क्या, तो Fe2O3 हो जाएंगे। ठीक है, यह भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, लोहे का जो मुख्य ऐसक है यह होता है हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए, यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि डेटॉल का उपयोग किया जाता है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हम पहले ही बता चुके हैं कि आप लोग नीचे में देखते चलिएगा। यहां पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे, डेटॉल का उपयोग प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर वी हो जाएंगे। इसे आप लोग दोस्तों याद कर लीजिए, माइंड में शेड कर लीजिए कि
डेटोल का जो उपयोग है ये प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को नीला रंग में बदल देता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले हैं, 3 फरवरी के दिन आने वाले हैं। तो एकदम इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और एक एक प्रश्न को माइंड में सेटअप करते चलिएगा। तो यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। किसको नहीं मालूम है दोस्तों? बच्चा बच्चा को मालूम है कि जल का, ठीक है, शुद्ध जो पीएच मान होता है ये 7 होता है। इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। कितना होता है? तो 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको ऑप्शन 4 दिया गया है, O2, SO2 और यहाँ पर H2S और N2। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे H2S गैस को जो है जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। एक एक प्रश्न को सभी छात्र छात्राएं माइंड में सेटअप करते चलिएगा, याद करते चलिएगा। यहां से काफी सारे प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है। यहां पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है बिल्कुल आसान प्रश्न, बोआ टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सुक्रोज का सूत्र होता है। किसको नहीं मालूम है दोस्तों सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? तो C12H22O11 ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे। यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, काफी आसान प्रश्न, बोआ टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। हीलियम का सूत्र होता है दोस्तों, किसको नहीं मालूम है? हीलियम का होता है HE। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में किस विधि द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कॉपर धातु का शोधन जो है विद्युत अवघटनी शोधन विधि द्वारा किया जाता है। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कॉपर माटे का जो शोधन है ये यहाँ पर दोस्तों विद्युत अवघटनी शोधन विधि द्वारा किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, काफी आसान प्रश्न है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 1 फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है। यह प्रश्न मैं आपको कई बार करा चुका हूं, यह काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए। और यहां पे आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे, और आप सभी को मालूम भी होगा कि दोस्तों 1 फैराडे जो है 96,500 कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन और बी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और यहाँ पर आपको बताना है कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आप सभी को हम बताना चाहेंगे। देखिए प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितना होता है? तो 2 होता है दोस्तों। और यहाँ पर आपसे सेकेंड में पूछा जा रहा है ना द्वितीय आवर्त में, तो द्वितीय यहाँ पर दोस्तों आपको बताना चाहेंगे आवर्त में जो है तत्वों की संख्या 8 होता है। कितना होता है? 8। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका वी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। एक एक प्रश्न को माइंड में सेटअप करते चलिएगा, और आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं इस वीडियो के अंत में जवाब जरूर दीजिएगा। यहां पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे, 15 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि CH3 में सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नीचे में देख सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन CH4 इज। देखिए CH4 में दोस्तों आपको सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताना है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हम तैयार कर लेते हैं, तो कार्बन के देखिए चारों तरफ क्या है, तो हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर हो जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों इसके चारों तरफ क्या है, तो हाइड्रोजन। और यहाँ पर दोस्तों देखिए जो ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड इसी को दोस्तों कहा जाता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर गिनिए कितना है, तो यहाँ पे एक ये हो गया, एक ये, यानी कुल मिलाकर दोस्तों 4 जो है इसमें बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों सिग्मा बॉन्डों की जो संख्या है ये 4 हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड जो है 4 हो जाएंगे CH4 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है, बोआ टाइप का प्रश्न है। और इसी प्रकार के प्रश्न
प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, आने वाले हैं, और हमें उम्मीद है कि आप लोग परीक्षा में एकदम तहलका मचा दीजिएगा, इस बार गर्दा उड़ा दीजिएगा। और यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है, अल्कोहल को दोस्तों हम लोग वैसे सुनिश्चित करते हैं और यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएंगे OH, ठीक है। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो OH होता है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका डी राइट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या बताना है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं नीचे में देख सकते हैं, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है दोस्तों OH, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का जो हिंदी में है वो मिट गया है, मतलब यहाँ पे आ नहीं पाया है, तो इसे इग्नोर कर दीजिएगा। इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं कि PCl5 इज, ठीक है, PCl5 जो है क्या है, तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए हो जाएंगे, ऑक्सीकारक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएंगे, 17 का ए हो जाएंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है, बोआ टाइप का प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, किसको नहीं पता है दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो HNO3 होता है, क्या होता है, HNO3 होता है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या हो जाएंगे, तो HNO3, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं क्वेश्चन 19 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि NH3 में N का संकरण है, यहाँ पे दोस्तों आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है किसका, तो N का बताना है NH3 में, तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों NH3 में N का जो हाइब्रिडाइजेशन है ये आपको हो जाएंगे SP3, क्या हो जाएंगे, SP3 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन 19 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को देख रहे हैं और एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं तो फिर क्या कर रहे हैं आप लोग, एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। और यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि प्लोथीन एक बहुलक है, प्लोथीन किसका बहुलक है दोस्तों, तो इथीन का बहुलक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी हो जाएंगे, प्लोथीन इज ए पॉलीमर ऑफ इथीन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके परीक्षा के लिए, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन है ये आपको हो जाएंगे अधातु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वीना एन तथा वीना एस है, तो आपको हम बताना चाहेंगे दोस्तों ये दोनों जो है संश्लेषित रबर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, और यहाँ पर आपको बताना है कि जो कंपाउंड आपको दिया गया है इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या है, आपको दोस्तों इस कंपाउंड में Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताना है, तो कैसे बनेगा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, जो कंपाउंड दिया गया है इसमें सभी का मान सिर्फ देखना है किसका मान क्या होता है और पुट करके आपको सॉल्व कर लेना है। तो कैसे बनेगा देखिए, जिसका पहले आपको ऑक्सीकरण संख्या बताना है उसको आपको एक्स मान लेना है, तो यहां पर दोस्तों आपको Fe की ऑक्सीकरण संख्या बताना है, तो हम F को क्या करते हैं X मान लेते हैं, और यहां पर दोस्तों जो आपको K4 दिया गया है यानी कि दोस्तों जो पोटेशियम दिया गया है, पोटेशियम क्या है, तो एक दोस्तों क्षार धातु है, और क्षार धातु का दोस्तों क्या होता है ये ऑक्सीकरण संख्या, तो इसका दोस्तों +1 होता है। और यहां पर दोस्तों जो CN दिया गया है, यहां पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे CN, ये CN दोस्तों आपको क्या है, ये हो जाएंगे ऋणात्मक लिगेंड, और ऋणात्मक लिगेंड का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो -1 होता है। तो हम चलिए सभी का मान फटाफट पुट कर देते हैं। तो देखिए पोटेशियम यानी कि K4 है, तो यहां पर हम लिखेंगे 4 करोस, और पोटेशियम का कितना हो जाएंगे ऑक्सीकरण संख्या, तो दोस्तों +1 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस देंगे, और Fe का आपको बताना है, तो Fe को हम एक्स मान लेते हैं, फिर देंगे क्या दोस्तों प्लस का सिंबल, और CN, तो CN क्या है दोस्तों, ये ऋणात्मक लिगेंड हो जाएंगे, तो इसका दोस्तों ऑक्सीकरण संख्या -1 हो जाएंगे, और इंटूम 6 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 6 करोस -1, ठीक है, और बराबर क्या कर देंगे दोस्तों, तो 0। चलिए अब इसे हम फटाफट फाइंड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएंगे 4 में x गुना होगा, तो 4 + x हो जाएंगे, और यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएंगे -6, ठीक है, 6 में -1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -6, बराबर हो गया दोस्तों 0। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों हम आगे फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो सबसे पहले हम x लिख देते हैं, और यहाँ पर दोस्तों देखिए -6 में से
प्लस चार जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो माइनस दो आ जाएगा बराबर जीरो, और यहाँ पे अब दो इस साइड जाएगा तो एक्स वर्ग क्या आ जाएगा, तो प्लस दो आ जाएगा। ऑप्शन दोस्तों आपको एम दिया गया है, ठीक है, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर आपको बताना है कि अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे हाइड्रोक्सिली ग्रुप, ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे, हाइड्रोक्सिली ग्रुप हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे, यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। एक एक प्रश्न को माइंड में सेटअप करते चलिएगा, याद करते चलिएगा, यहां से काफी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, उतरने वाली है। यहां पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि उजला और पीला फास्फोरस है क्या है, ये आपको बताना है, और यहां पर आपको चार ऑप्शन दिया गया है। आप सभी मित्रों को हम बताना चाहेंगे उजला और पीला जो फास्फोरस है ये एक दूसरे का अपरूप है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, और यहां पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है। तो यहां पर दोस्तों ए आपको हो जाएंगे हीलियम, ऑप्शन और बीम दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नीचे में देख सकते हैं विच ऑफ द फ्लोविंग गैस इन इज जो है मोनोएटॉमिक, तो मोनोएटॉमिक दोस्तों जो गैस है ये आपको हीलियम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे, और यहां पर आपको बताना है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे नाइट्रिक अम्ल जो है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा तैयार किया जाता है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका वी राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, यहां पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, यह प्रश्न मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहां पर आपको बताना है कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं। यहां पे दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे ज्वरनाशी, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएंगे एंटीपायरेटिक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का ए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पर दोस्तों आपको ये बताना है कि जो ये दिया गया है यौगिक जो दिया गया है इस यौगिक का नाम क्या है। देखिए यहाँ पे दोस्तों देखने से ही पता चल रहा है कि बेंजीन में OH लगा दिया है, तो ये कौन सा यौगिक हो जाएंगे, ये हो जाएंगे फिनॉल, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका वी राइट हो जाएंगे। जैसे ही दोस्तों बेंजीन में OH लगा देंगे तो क्या उसका नाम हो जाएगा, तो फिनॉल, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, और यहाँ पर आपको बताना है कि संक्रमण तत्वों को और भी किस नाम से जाना जाता है। आप सभी मित्रों को मालूम होनी चाहिए कि दोस्तों संक्रमण तत्वों को जो है दूसरा हम लोग जो है डी ब्लॉक तत्व के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो को अभी तक एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। और आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव सही कर रहे हैं आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। सबसे पहले पूरा वीडियो को देख लीजिए, अभी हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, उसके बाद आप लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर 31 देखिए, आवर्त सारणी के ग्रुप फर्स्ट के तत्वों को जाना जाता है। देखिए दोस्तों ग्रुप फर्स्ट के तत्वों को दोस्तों हम लोग जो है क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं, अल्कली मेटल के नाम से जानते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ए राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और यहाँ पर आपको बताना है कि एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, तो उसे कहते हैं दोस्तों रोस्टिंग कहते हैं, भर्जन कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, और यहाँ पर आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट जो जलाशिंत होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे कहा जाता है, उसे दोस्तों ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका राइट हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, और यहाँ पर आपको बताना है कि K3
इंटू एफ ई इंटू सी एन 6-1 है। ये दोस्तों क्या है, ये जो कंपाउंड दिया गया है ये क्या है, तो आप सभी दोस्तों को हम बताना चाहेंगे, ये आपको हो जाएंगे कम्प्लेक्स कंपाउंड हो जाएंगे, उप संयोजक यौगिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएंगे 34 का बी। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर दोस्तों हम देखते देखते आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, और ये प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। तो जितने भी छात्र छात्राएं इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और एक प्यारा सा लाइक नहीं किए हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं आप लोग, एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल होता है। और चैनल पर नई बार है तो फटाक से नीचे में लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दबा दीजिए, बगल वाले घंटी को दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हम फटाफट इसका आंसर जान लेते हैं। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे H2SO4 के साथ जो है इसमें दोस्तों आपको SO3 जो है उपस्थित है, ठीक है, SO3 जो हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 35 का बी। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, आपसे हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने पढ़ाई में जुटे रहिए, इस बार सभी छात्र छात्राओं को तहलका मचाना है। तो चलिए दोस्तों आपसे हम फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी दोस्तों को हमारे वीडियो को देखने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद।